थाने जिले के भंडारली गांव में गोचरण की जगह पर महाड़ा द्वारा कब्जा करने का आरोप भंडारली के स्थानीय किसान और रहवासियों ने लगाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि महाड़ा ने जिलाधिकारी के साथ मिलकर भंडारली गांव की गोचरण की जगह पर कब्जा जमा लिया है। इस विषय में भंडारली गांव के स्थानीय किसान और नागरिकों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर परिवर्तन पक्ष के अध्यक्ष नरसिंह गाय समुद्र के नेतृत्व में थाने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। मोर्चे के शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी कार्यालय को एक निवेदन देकर भंडारली गांव वासियों के साथ योग्य कार्यवाही करने की मांग की। आंदोलनकारियों के अनुसार कल्याणशील फाटक से सटे भंडारली की सर्वे नंबर 13 गोचरण की जमीन पर बीते 5 पीढ़ियों से यहां के किसान खेती बाड़ी कर रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों से गरीब और मध्य वर्गीय लोग इस जमीन पर निवास कर रहे हैं। भंडारली के किसानों का कहना है कि जिलाधिकारी की सहमति से महाड़ा इस जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना लाने जा रहा है, जिसके चलते इस जमीन के किसान और यहां रहने वाले नागरिकों को बेघर होने का डर सता रहा है। परिवर्तन पक्ष के अध्यक्ष नरसिंह गाय समुद्रे का कहना है कि बीती 4 से 5 पीढ़ियों से इस जमीन पर खेती करने वाले किसानों और नागरिकों के साथ सरकार अन्याय कर रही है। किसानों और नागरिकों को बिना कोई पूर्व सूचना दिए गोचरण की जमीन पर लगाए हुए पेड़ पौधों को वन विभाग की अनुमति के बगैर महाड़ा ने तोड़ दिया। साथ ही सर्वे नंबर कि जमीन पर रहने वाले गरीब लोगों को घर खाली करने के लिए कहा जा रहा है। इस संदर्भ में कई बार संबंधित अधिकारी से सवाल पूछे गए, लेकिन अधिकारी इस मामले में गरीबों की सुनने को राजी नहीं है, जिसके चलते मंगलवार को भंडारली गांव के किसानों और रहवासियों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष के बैनर तले महाड़ा और जिलाधिकारी के विरुद्ध अपना रोष प्रकट किया। उत्तर शिव भंडारली ये गांव का मोर्चा था और ये लोगों ने कम से कम वहाँ पे अजूबा पंजूबा कम से 98-99 जो रहवासी है वहाँ पे झोपड़पट्टी धारक है उन लोग के पुरावे कम से कम 98-99 के पुरावे है। एक बाजू शासन बोलता है कि बेघर को घर देना है और दूसरी बाजू में लोगों का जो घर है वो तोड़ने का प्रयत्न कर रहा है। जो जमीन शेतकारी की जमीन है वो जमीन उन्होंने अजूबा पंजूबा के तरफ से तभी से उन्होंने कब्जा किए, खेती कर रहे, पीक निकाल रहे, पंचनामा हो गया उसका, सब कागज़ पत्र उनके पास रह के भी उनको जमीन देने का पूरा काम करना चाहिए जिलाधिकारी ने, लेकिन उनको जमीन हड़प करके महाड़ा बिल्डर को दे के वहाँ पर पंतप्रधान आवास योजना का प्लान डाला है। ये हमारी वहाँ की रहवासी अज्जी है, उन्होंने वहाँ पर सर्वे करते टाइम हरकत ली, वहाँ पर आत्महत्या करने का प्रयत्न किया, लेकिन जिला अधिकारी को उसका कुछ भी असर नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि असर इसके लिए नहीं जिला अधिकारी को पड़ता है कि बिल्डर के तरफ से अच्छा मुबदला उनको मिल जाता है तो लोग गोर गरीब का कोई वाली नहीं या रहवासी नहीं, उनका कोई सुनवाई होता नहीं। इसके लिए हम लोग के पास आए उनको न्याय मांगने के लिए, तो हम लोग कम से कम ये विषय में 10 साल से हम लोग यहाँ जिला अधिकारी पे मोर्चा आंदोलन करते हैं, लेकिन अभी तक हमको न्याय मिला नहीं है। मोदी बोलते हैं हम आपको घर देंगे, वो या सेना तोड़ देते हैं, इस तरफ क्या कहेंगे? उसके बारे में हम लोग यही कहेंगे कि ये झूठा आश्वासन देके लोगों को फंसाने वाला काम है और लोगों को चूतिया बनाने वाला काम है, क्योंकि पंतप्रधान योजना के अंदर में जब घर वाले को बेघर कर रहे हैं और घर बेघर को घर कहाँ से देंगे, ये सरासर लोगों को चुतिया बनेंगे, गुमराह बनाने की काम चालू है और ये लोगों ने फंसाने का काम बंद करना चाहिए। गांव में कितने लोग हैं? कम से कम गांव में वहाँ पे रहवासी और झोपड़ी धारक कम से कम 550 से 600 है और वहाँ के जो रहवासी स्थानिक है कम से कम 600-700 लोग हैं। उनकी बस खेती क्या होगी? खेती में क्या होगा, और गरीब भात डालते हैं और भाती का भात का पीक निकलता है वहाँ पे, और तो कोई पीक नहीं और उनको वहाँ की इनकम कुछ है ही नहीं, वो खेती में भात के ऊपर ही उनका जीवन है और गुजरा है। अपनी जो जमीन थी वहाँ पे कोई भी अधिकारी ने वहाँ पे फॉरेस्ट की परवान की, कोई भी झाड़ तोड़ने की परवान की न लेते हुए वहाँ पे डाइगर पुलिस स्टेशन ने बंदोबस्त दे के वहाँ के लोगों के जो खेती में गायरन जमीन थे उसमें से कम 1200 झाड़ तोड़ दिए है बिना परवाना। उसके ऊपर हमने पंचनामा करने के टाइम में उनको रोका था कि कार्रवाई मत करो, झाड़ मत तोड़ो, उन्होंने उनके पास परमिशन है क्या? उनके पास कोई परमिशन नहीं होते हुए 1200 झाड़ तोड़ा, उसके हमने कंप्लेंट फॉरेस्ट वन अधिकारी को किए, मुसूल को किए, जिला अधिकारी को किए, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। फॉरेस्ट ने उनको 21 के 22,000 रुपया खाली फाइन लगाई है, उसके ऊपर उस पर कार्रवाई हो गई नहीं है। वो हमारी मांग है कि जिन्होंने झाड़ तोड़ा है कार्रवाई के महाड़ा के अधिकारी पे
सिरके बिल्डर पे कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे गुनाह दाखिल होना चाहिए, ये हमारी मांग है। कहाँ रहते हैं आप? भंडारली गांव में। तो भंडारली गांव में कितने सालों से रह रहे हैं? हम मेरा बहुत साल में मेरा आजोबा पंजोबा से उधर ही है हम लोग। ये अभी जो माहड़ा ने जो उस पर कब्जा किया है, जो माहड़ा जो प्रोजेक्ट बना रही है योजना, तो उसमें क्या आप लोग बाधित हो रहे हैं? हाँ, मेरे 1200 झाड़ लगाया था, सेंग का झाड़ था 1200 650 और चीकू का, आम का और साग का, पेरू का, ये सब झाड़ था 1200-1250 झाड़ मैं खुद लगाया था। और वो झाड़ मैं उस दिन जिधर कब्जा किया वो लोग, उस दिन मेरे को एक दिन बंद रखा पुलिस स्टेशन में, मैं गया था उधर, तो मेरे को बंद रखा और एक रात में वो झाड़ पोखरन 2-3 लगा के खड्डा खोद के उसमें वो मट्टी डाल दिया उसके झाड़ के ऊपर, पूरा गायब कर दिया। दूसरा दिन जो गांव वाले हैं कितने हैं टोटल? टोटल जो गांव वाले हैं कितनी संख्या कितनी होगी? संख्या होगा 500-600 के ऊपर होगा। तो अभी क्या मांग क्या आपको क्या होना चाहिए? मेरे मांग था ये मेरा झाड़ ये किया है और मेरा गोमाता भी था उधर, उसका रस्सी काट के उसको छोड़ के किधर भगा दिया, और मेरा जो बेड़ा था उसका घरपट्टी भी है मेरे पास।